जिला के विकास के लिए आज जिला आयोजन समिति का चुनाव पंचायत भवन में आयोजित हुआ। यह चुनाव सिरसा के डीसी, एडीसी और एसडीएम की देखरेख में हुआ। इसमें जिला परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए और वहीं 5 सदस्यों का चुनाव सिरसा जिला के 5 ब्लॉकों से चुने गए। कुल 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें से 5 प्रतिनिधि चुने जाने थे और वह पांच प्रतिनिधि एक सिरसा, 2 एलनाबाद, 1 डबवाली और 1 रानिया से चुना गया। इसके अलावा 5 प्रतिनिधि हरियाणा सरकार द्वारा चयनित किए जाएंगे। यह सभी 25 सदस्यों की टीम जिले भर में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार किया करेगी। इस टीम का नेतृत्व सिरसा के डीसी व एडीसी किया करेंगे और यह सभी मिलकर सिरसा जिले को विकास के कार्य में अग्रणी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई, परंतु फिर भी कुछ एक पार्षदों का मानना था कि यह चुनावी प्रक्रिया सही नहीं है। देखिए, इस चुनावी प्रक्रिया में चुनावों की मतगणना होने से पहले और बाद में पार्षदों का क्या कहना है और साथ ही जो पार्षद विजेता हुए हैं वह लोग किस तरह से जिला को एक नया आयाम देंगे। तो वोटिंग हो रही है वहाँ पे, अभी हो रहे हैं वो। हमारे को मैडम जी ने कहा आपने वोट डाल दिया, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाँ जी, वोटिंग कर रहे हैं। 31 पूरे हो गए। हाँ जी, अड्डा वाली स्टार्ट हो रही है। सही है, सारा प्रोसेस सही है उनका भी। और अब सिरसा के तो एट दिस टाइम हो चुके हैं, डब वाली के हो रहे हैं चुनाव। हाँ जी, मैं वोट कर रहा हूँ कैंडिडेट। सर, टोटल सिरसा के मिलाकर जो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं सर, 11, 5 हो गए। देखिए, अभी तक तो 100% है, बाकी रिजल्ट बता देगा। अभी जो प्रक्रिया चल रही है, yes, उसमें एक व्यक्ति कितने वोट कर रहा है, क्या सिस्टम, किस तरह से वोटिंग हो रही है? 11 के नाम है, 5 की क्रॉस करनी है, उसके बाद उनकी वोटिंग काउंटिंग होएगी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होएगा। मुझे तो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है कि किस तरीके से ये चुनाव प्रोसेस होएगा। ममता सैनी, वार्ड नंबर 6 से नगर पार्षद। मेरे हिसाब से लगभग ठीक है। मैं रमेश बागड़ी, एमसी हूँ नगर परिषद मंडी डबवाली, वार्ड नंबर 12। प्रतिक्रिया से बहुत हम बेखफ हैं। एडीसी साहब कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी ये कानूनी प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। जो हमें लेटर दिया गया इन्फॉर्मेशन का, वो कल शाम को दिया गया जी। और ये कहा भी 24 घंटे के अंदर हम काम कैसे करेंगे, हमें यही नहीं पता अभी कौन एमसी है, कौन कहाँ से लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा। ये इनका कानून है, अभी 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। कोई नोटिस नहीं दिया गया 7 दिन पहले। और शुरू से कहा इन्होंने न्याय पर वो जारी रखी अपनी प्रतिक्रिया, और उधर से साथ साथ कहते रहे अभी बात करते हैं। जब पोलिंग का टाइम आ गया कहते वोट पोल करना करो, नहीं रहने दो। कोई प्रोटेस्ट करने, हमने कहा भी हमने कोई, आप हमारा प्रोटेस्ट तो लिख लो। इनकी प्रोसीडिंग बुक होती है एक, उसमें तो लिख दो कम से कम भी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात का। ये मेरे पास इनका लेटर है जो कल है, कोई लेटर की सुनवाई नहीं, इनका अपना लेटर। आज जिला परियोजना समिति के इलेक्शन थे, जिसमें कि हमने अपना सभी 99, इसमें जैसे कि पूरे जिला में 99 एमसी हैं हम, और आज हमारी इस उसमें 83 एमसी प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें से 11 कैंडिडेट थे और हमने अपना वोट डाल दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है। सिरसा में 3 हैं, रुतास वर्मा, संगीता सचदेवा और नारायण पाल सिंह। थिंक तीनों ही हमारे सिरसा के तो तीनों ही कैंडिडेट जीतेंगे। नहीं, सही है जी, जो हुआ है प्रक्रिया जो चल रही है ठीक ही किया है, लेकिन ये इनको पहले बतानी चाहिए थी। ये तो गलती है जी, ये तो हम भी मान रहे हैं। पहले हम भी नहीं जानते, बस ये है कि कह दिया वोट डाल दिया। हाँ जी, हमें तो 4 दिन हो गए जी मिले, हमें तो 25 तारीख को मिल गया था 4 दिन को। हाँ, वो मंडी डब्बू वाले वो उनको लेट मिला है। सही हो रही है। और जो कि डीसी साहब आए हुए हैं यहाँ पर, एडीसी मैम आई हुई हैं, एसडीएम साहब आए हुए हैं, सब ने अपनी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद ही वोटिंग जो हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है, बिल्कुल विद जो भी उनके नॉर्म्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनके अकॉर्डिंग हो रही है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं जानते। रानिया में मेरे नोन है, इलाहाबाद में भी मेरे नोन है। देखो, अगर हम एमसी हैं तो हमें ओवरऑल सारे 5 एरिया में टच में रहना होता है। पता नहीं कब कोई
काम किधर से पड़ जाए। और वैसे भी हमारे जैसे हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो रहा है अब, तो उसके बिहाफ पे हमें सबके साथ टच में रहना पड़ता है, तो ओवरऑल हम सबको जानते थे, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि वो इस वजह से, क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था उसमें पूरी प्रक्रिया नहीं थी, उस वजह से शायद कई लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर डीसी साहब जो कि शहर के राजा होते हैं, वो हो गए, मैम हो गई, एसडीएम सर हो गए, अगर इनकी थ्रू, अगर इनके बिहाफ से जो भी प्रक्रिया हो रही है, हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। बहुत ही अच्छे तरीके से डीसी साहब, एडीसी साहब और एसडीएम साहब द्वारा करवाई जा रही है चुनावी प्रक्रिया, बहुत ही बढ़िया ढंग से हो रही है। 5 वोट डाल रहे हैं, सिरसा के नारायण पाल, रोहताश वर्मा और संगीता सचदेवा, सभी जीतेंगे जी। मैं दीपक गाबा रानिया से, आज सिरसा के अंदर एक जिला योजना कमेटी का चुनाव हुआ जिसके अंदर हमें एक एमसी को 5 वोट डालने का अधिकार था। टोटल हम 11 प्रत्याशी थे जिसके अंदर से पहले नंबर पे मेरा नाम दीपक गाबा का आया। मुझे टोटल 55 वोट आए हैं, 427 वोट टोटल पोल हुए थे, 55 नंबर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट दीपक गाबा को मेरे को आए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे 49 वोट आए हैं, तीसरे पे 48 आए हैं, उसके बाद 38 और 37, इस तरह 5 प्रत्याशी हम जीते हैं टोटल। योजना के लिए इस तरह मैं नगर पार्षद हूँ, कुछ एरिया हमारे जिले के अंदर ऐसा आता है ना तो उसमें नगर पालिका के अंदर सुनवाई है ना ग्राम पंचायत के अंदर सुनवाई होती है, उसके अंदर हम डी प्लान का पैसा यूज करके जिले की कोई भी लोगों की गलियां बनने वाली है उसका सुधार कराएंगे, कोई भी लोगों की समस्या जब मीटिंग में जाएंगे अपने सिरसा जिले की आवाज़ उठाएंगे, एडीसी साहब से मांगे पूरी करवाएंगे, अपनी जनता के लिए जो भी होगा मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा। मैं अनिल बादू लगातार दूसरी बार एलनामाद से पार्षद 17 नंबर वार्ड से, और मैं आज जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ उसके अंदर 48 वोट लेकर के और इसका मेंबर चुना गया हूँ, और अब हम जो भी इसकी मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे एलनामाद शहर के अंदर बढ़िया से बढ़िया विकास करवाने का डी प्लान के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले जा करके और वहाँ अच्छा काम करेंगे। और इसके अंदर हमारे एक वार्ड है जो ना नगर पालिका में ना पंचायत में है, उस वार्ड के अंदर मैं पैसे लगाऊंगा जो भी डी प्लान का पैसा होगा। हाँ, अभी एलनामाद से हम दो जीते हैं। सिंगला वार्ड नंबर 4 से MCO, आज यहाँ पे डी प्लान के लिए जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरे को 49 वोट मिला, उसके लिए सारा MC भाई और मेरे एलनाबाद के पार्षद साथी सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि मैं देख यहाँ से जितने भी डी प्लान का पैसा है और हमारे एलनाबाद में ले जाके अच्छे विकास कर सकूँ, अपने दिल तन मन धन से काम करने का कोशिश करूँगी मैं यहाँ पे। हमारे सभी पार्षदों की बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे रोहतास भाई को वोट डाली है, हम सब का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, हमारा ये सरे ग्रुप की जीत हुई है, भाईचारे की, सभी पार्षदों ने सरसा के और बाहर के डबवली के एलनाबाद के कई पार्षदों ने, उन्होंने जिनसे हमारा संपर्क था उन्होंने हमें वोट दिया, हमें 55 वोट मिले हैं। एक तो रानिया से है और दीपक गाबा, और दो एलनाबाद से, एक सिरसा से, एक डबवली से। हाँ, ये लड़का छोरा, नौजवान छोरा है, बढ़िया है, काम करने वाला है, इंटरेस्ट रखने वाला है और बढ़िया काम है। रोहतास वर्मा, वार्ड नंबर 21, गौशाला मोहल्ला सिरसा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये हमारे भाईचारे की जीत है और हमारे ग्रुप की जीत है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि अपने सिरसा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सकें।